2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र के अंतर्गत आज तीसरे दिन अपना बजट पेश किया है। बजट से पहले यूपी मंत्रिमंडल की बैठक हुई, इसमें बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वहीं बजट प्रस्ताव के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषय विकास से जुड़े प्रस्ताव हुए और जिसे कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दी गई। सदन के पटल पर योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 6.90 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत शायराना अंदाज में की है। साथ ही वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यूपी के विकास दर में बढ़ोतरी हुई है, प्रदेश में बेरोजगारी की दर 4.2% पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि देश की जीडीपी में प्रदेश का योगदान 8% से ज़्यादा है। यूपी कई क्षेत्रों में देश के प्रमुख राज्य के रूप में उभरा है। दिए हैं रोशन दूंगा जब तलक भी मेरी इस पलकों पे, दिए हैं रोशन अपनी नगरी में अंधेरा। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति को रखा गया है। नीति के अंतर्गत सरकारी एवं निजी भवनों पर 6000 मेगावाट क्षमता दूंगा।